हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग देख रहे हैं फटाफट मैप की क्लास अपनी, और इस मैप की क्लास में लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था इंडस रिवर वाटर सिस्टम के बारे में। तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, याद भी हो गया होगा, जैसा कि बहुत इंपॉर्टेंट है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। उसी तरीके से हम लोग आज देखेंगे हमारी गंगा रिवर के बारे में, जिसके लिए मैंने लोकेशन आप लोगों को लास्ट क्लास में ही दे दिया था। तो फटाफट शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। स्टार्ट करने से पहले अगेन ये हमारी कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं यहाँ पर, जिनको आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट पूछने के लिए या फिर हम तक रीच आउट करने के लिए। बाकी हमारे कुछ कोर्सेज भी हैं जिनको भी आप देख सकते हैं, अपने यूपीएससी प्रिपरेशन में हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और ये कुछ टेस्ट सीरीज के डिटेल्स दिए हुए हैं यहाँ पर। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे रिवर सिस्टम के बारे में। तो इस रिवर सिस्टम के बारे में हम लोगों ने देखा था कि हिमालय रिवर सिस्टम है। हम लोग अभी हिमालय के बारे में बात कर रहे हैं, फिर हम लोग बात करेंगे अपने पेनिनसुलर रिवर के बारे में। हिमालय रिवर के बारे में हम लोगों ने इंडस सिस्टम के बारे में कल देख लिया था, हम लोग अभी देखने वाले हैं गंगा सिस्टम के बारे में। इस गंगा सिस्टम के बारे में हम लोग देखेंगे, इसके बाद यमुना सिस्टम के बारे में, जो कि गंगा सिस्टम का ही एक पार्ट होता है, और फिर उसके बाद से हम लोग देखेंगे हमारी ब्रह्मपुत्र सिस्टम के बारे में, और फिर हम लोग मूव ऑन कर जाएंगे अपने पेनिनसुलर इंडिया पर। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारी गंगा के सिस्टम, और देखते हैं क्या कुछ है हमारे पास। काफी इंपॉर्टेंट है, वन बाय वन करके हम लोग चीजों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी चीजें ज्यादा हैं यहाँ पर याद भी करने के लिए। सबसे पहले गंगा रिवर वाटर सिस्टम के बारे में अगर बात करें, तो यहाँ पर देखिए गंगा जो कि एक लार्जेस्ट बेसिन है। देखिए हमारे यहाँ पे लार्जेस्ट बेसिन, हालांकि अगर आप देखेंगे तो इंडस का है। इंडस बहुत बड़ी रिवर है, लेकिन वो इंटरनेशनल है, और इंडिया में कुछ खास उसका मतलब एरिया नहीं आता है। मैक्सिमम एरिया जो होता है वो पाकिस्तान साइड में चला जा रहा होता है, तो इंडिया में नहीं रह पाता है। जबकि इंडिया में जो रहती है वो आती है गंगा की। गंगा काफी इंपॉर्टेंट है, गंगा सबसे बड़ी रिवर हो जा रही होती है हमारे इंडिया की। ये इतनी बड़ी है कि नियरली 1/4 ऑफ द एरिया, नियरली 1/4 या फिर आप बात करें तो 26% ऑफ द एरिया को ये इरिगेट कर रही होती है। तो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये इंटरनेशनल रिवर है, और ये बांग्लादेश के थ्रू होकर के पास कर रही होती है बिफोर मर्जिंग इन टू द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले ही हो जाती है। इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में कहा था कि फ्रॉम हर सोर्स टू द सी, फ्रॉम ओल्डर टाइम टू न्यू, द गंगा इज द स्टोरी ऑफ इंडियाज सिविलाइजेशन। इंडिया के सिविलाइजेशन के लिए पूरी की पूरी कहानी ये पूरी की पूरी गंगा रिवर लेकर के बैठी हुई है। इनफैक्ट गंगा इज द वर्चुअल सिनोनिमस विद इंडियन सिविलाइजेशन बियॉन्ड वाटर्स मटेरियल यूज विच आर क्रिटिकल टू लाइफ एंड डेवलपमेंट। गंगा रिवर इज एसोसिएटेड विद फर्टिलिटी, प्योरिटी, स्पिरिचुअल नरिशमेंट ऑफ द पीपल। तो हर चीज के लिए है, इरिगेशन भी दे रही होती है, पिलग्रिमेज भी यहां पर हो रही होती है, मतलब हर एक चीज यहां पर आप कह सकते हैं गंगा रिवर से हमारे सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं, इसीलिए इनकी पूजा भी की जा रही होती है। हम लोग अगर आए अपने गंगा रिवर के बारे में, तो देखिए ये पूरा का पूरा हमारा रिवर वाटर सिस्टम है। यहां पर अगर देखेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स देखेगा, लेकिन अब हम लोग जरा वन बाय वन करके जब इसकी ट्रिब्यूटरी को देखना शुरू करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले यहां देखेंगे तो देखिए गंगा रिवर ये लिखी हुई है, ये गंगा है। स्टार्ट कहां से हो रही है? यहां से। ये गंगा रिवर यहां से स्टार्ट हो रही है, और जहां से गंगा रिवर स्टार्ट हो रही होती है उसका नाम है, एक ग्लेशियर है, और इस ग्लेशियर का नाम है गौमुख। दिस इज गौमुख या फिर गंगोत्री ग्लेशियर। दिस इज गंगोत्री ग्लेशियर। यहां से स्टार्ट हो रही होती है गंगा रिवर, और देखिए इस तरीके से मूव करते हुए आगे बढ़ती है। यहां पर ये पूरी की पूरी ग्लेशियर के थ्रू वाटर निकल रहा होता है, और इस तरीके से ये पहली बार जहां पर भी ये लैंड पे आती है, मतलब कि एक तरीके से फ्लैट सरफेस पे आती है माउंटेन से उतर के, उस जगह का नाम है हरिद्वार, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। हरिद्वार नाम में ये हरि का द्वार, और वहीं पर गंगा रिवर उतर रही होती है। इस हरिद्वार से आगे बढ़ती है और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में आ जा रही होती है। इलाहाबाद से आने के बाद फिर ये पहुंचती है बनारस, बनारस से होते हुए फिर ये बिहार के पटना में चली जाती है। बिहार के पटना में जाने के बाद फिर देखिए यहां पर एक टर्न ले रही है। ये जो टर्न है बेसिकली, इस जगह का नाम भी आपको याद रखना है, ये जो टर्न है, इस टर्न वाली जगह का नाम है भागलपुर। दिस इज भागलपुर, भागते हुए भागलपुर आ गया है। तो ये भागलपुर हमारा आ जा रहा होता है। भागलपुर से ये गंगा रिवर एंटर कर जाती है वेस्ट बंगाल में, जहां पर दो पार्ट में टूट जाती है। एक पार्ट जो टूटती है वो दामोदर हुगली रिवर में बदल जाती है। ये देखिए हुगली रिवर, इसकी यहां पर ट्रिब्यूटरी आ गई है। ये हमारी रिवर आप देख सकते हैं कि ये हुगली रिवर है, ठीक है। दूसरी जो साइड चली जाती है उसका नाम पड़ जाता है बांग्लादेश में जाने के बाद पद्मा रिवर।
ये पद्मा रिवर आगे बढ़ गई है। इस पद्मा रिवर से देखिए ब्रह्मपुत्र की जमुना रिवर आकर के मिलती है और यही आगे पद्मा रिवर मेघना से मिल जाती है और इसका नाम यही से मेघना रिवर हो जाता है और ये गिर जाती है हमारी बे ऑफ बंगाल में। क्लियर हो गया। तो ये हमारी पूरी की पूरी रिवर है। अगर गंगा रिवर के बारे में देखते हैं तो ओरिजिन आपका गौमुख गंगोत्री से स्टार्ट हो रही होती है और ये गिर रहा होता है बे ऑफ बंगाल में, यहां पर आपका गिरा है। इसका नाम दो बार चेंज हुआ है, गंगा रिवर, गंगा से फिर ये पद्मा हुआ है, पद्मा के बाद फिर ये मेघना हो गया है। मेघना नदी के मिलने के बाद से ये मेघना और ये जो जमुना यहां पर आ रही है, इन दोनों का बेसिकली ये दोनों जो ट्रिब्यूटरी है वो है ब्रह्मपुत्र की। हम लोग ब्रह्मपुत्र वाले ट्रिब्यूटरी में जब आएंगे, ब्रह्मपुत्र सिस्टम को जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम लोग और ज्यादा ब्रह्मपुत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गई हमारी गंगा रिवर के बारे में। अब गंगा रिवर के अगर ट्रिब्यूटरी को देखा जाए तो देखिए हम लोग ट्रिब्यूटरी के बारे में देखे थे, एक होती है जो लेफ्ट बैंक होती है और दूसरी होती है जो राइट बैंक होती है। अब देखिए गंगा को मूवमेंट यहां से ओरिजिनेट होकर के इधर जा रहा है, मूवमेंट हमारी डाउनवर्ड है ऐसे, तो यानी इधर के साइड वाली जितनी भी रिवर्स हैं ये क्या होंगी, ये होंगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और जितनी इधर के साइड वाली है वो कैसी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। एक बार अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी को देखें तो एक देखिए रिवर ये आ रही है यमुना, जो कि मिल रही है कहां पर, इलाहाबाद के पास में, यानी यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी बन गई और वो भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। क्लियर हो गया। इलाहाबाद में आकर के मिल रही होती है, त्रिवेणी संगम में इसको बोला था, प्रयागराज है ये। फिर आगे अगर बात करेंगे तो देखिए पटना के पास में एक और नदी मिल रही है जिसका नाम है सोन, यानी सोन भी एक कैसी हो गई, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बन गई हमारे गंगा रिवर की और यही आगे जाकर के फिर मिल जाती है। यानी कि गंगा की केवल और केवल दो ही ट्रिब्यूटरी है जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, एक हो गया यमुना और दूसरी हो गई सोन। क्लियर। बाकी अगर बात करते हैं हमारे गंगा के लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में तो देखिए लेफ्ट बैंक बहुत सारी है, जैसे वन बाय वन करके अगर डिस्कस करें, सबसे पहले देखिए आती है राम गंगा और ये देखिए राम गंगा रिवर है, हालांकि यहां पर पूरी तरीके से क्लियर नहीं बनाया गया है लेकिन ये राम गंगा है। वन सेकेंड लेट मी क्लियर इट, अदरवाइज यहां पर चीजें दिखेंगी नहीं। यहां पर देखिए हमारे पास ये आ जाती है एक साइड में हमारी, ये आ रही है हमारी राम गंगा, तो ये है हमारी राम गंगा। फिर उसके बाद से अगर उसके बगल में यहां पर मैं लिख देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी दिखे, दिस इज राम गंगा। राम गंगा के बगल में फिर दूसरी एक और रिवर आ जाती है जिसका नाम है गोमती। गोमती तो देखिए खैर बनी हुई है, ये हमारी गोमती है जो कि अगेन राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इस गोमती के बाद दूसरी एक और रिवर है जिसका नाम है देखिए घाघरा, ये भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। हालांकि ये जो घाघरा है इसकी भी दो सब ट्रिब्यूटरीज होती है, यानी घाघरा की दो ट्रिब्यूटरी है, एक ट्रिब्यूटरी का नाम है शारदा, वन इज शारदा, और दूसरी ट्रिब्यूटरी का नाम है राप्ती। तो राप्ती और शारदा दो सब ट्रिब्यूटरी हो गई गंगा रिवर की या फिर ट्रिब्यूटरी हो गई घाघरा रिवर की। सिमिलरली अगर बात करें हमारी, अगर आगे बात करेंगे तो देखिए एक और रिवर आ रही है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी गंडक के नाम से, ये गंडक फिर आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगी कोसी रिवर जिसको कि बंगाल का सौरो भी बोलते हैं, और फिर आगे आ जाएगी महानदी रिवर, तो सॉरी महानदी नहीं महानंदा रिवर, जिसके नाम पर ट्रेन भी चली हुई है महानंदा रिवर। तो बेसिकली अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करेंगे तो नियर अबाउट 6 to 7 राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जैसे राम गंगा हो गया, ये देखिए राम गंगा हो गया, फिर उसके बाद से घाघरा हो गया, फिर उसके बाद से गंडक हो गई, गंडक की सब ट्रिब्यूटरी शारदा हो गई और राप्ती हो गई, फिर उसके बाद से आगे कोसी हो गई और फिर बाद में लास्ट में हमारी हो जाती है महानंदा। ये क्लियर हो गया। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, यमुना और सोन, तो ये दो बेसिकली ट्रिब्यूटरीज है। तो हम लोगों ने गंगा सिस्टम के बारे में देख लिया, लेकिन अब जरा स्टार्ट करते हैं गंगा आती कहां से है और क्या हुआ है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा ट्विस्ट है, इसको भी हम लोग मैप के सारे देखेंगे। देखिए ये मैप है, गंगा जो आती है वो निकलती है कहां से, देखिए हमारे पास नंबर ऑफ यहां पर कह सकते हैं कि जो हमारे मठ है, जैसे बद्रीनाथ हो गई, केदारनाथ हो गई, गंगोत्री हो गई, यमुनोत्री हो गई, ये एक तरह से पिलग्रिमेज साइट्स होती हैं जहां पर लोग जाते हैं घूमने के लिए। तो यहां पर एक बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ से सबसे पहले निकलती है अलकनंदा रिवर, लेकिन इस बद्रीनाथ में जैसे रिवर निकल रही होती है यहां पर एक आती है विष्णु प्रयाग, जगह का नाम है और सब देखिए उत्तराखंड में है, और इनफैक्ट कभी आपको उत्तराखंड जाने का घूमने का मौका मिलता है तो आप जाइएगा और सारे के सारे इस प्रयाग पे जाइएगा, सब आसपास ये 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूरी पे है, एक आप व्हीकल करिए एक कैब करिए और सब घूम जाएंगे आप। चलिए खैर,
तो ये विष्णुप्रयाग है। विष्णुप्रयाग में एक्चुअली एक धौली गंगा मिलती है अलखनंदा के साथ में, और अल्टीमेटली अलखनंदा हमारी मेन रिवर घूम रही होती है। सिमिलरली आगे विष्णुप्रयाग के बाद नेक्स्ट आती है जिसका नाम है नंदप्रयाग। नंदप्रयाग में नंदकिनी आकर के मिल जाती है अलखनंदा से, अलखनंदा फिर आगे बढ़ती है, फिर अलखनंदा आगे जाकर के पिंडर गंगा से मिल रही होती है, कहां पर? कर्णप्रयाग में। तो बेसिकली तीन प्रयाग हम लोगों ने डिस्कस किए, एक विष्णुप्रयाग जहां से धौली गंगा निकल रही है, फिर नंदप्रयाग जहां से नंदाकिनी निकल रही है, फिर उसके बाद से कर्णप्रयाग जहां से पिंडर गंगा निकल रही है, फिर उसके बाद रुद्रप्रयाग आता है, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी आके मिल रही होती है, फिर उसके बाद से देवप्रयाग आती है और देवप्रयाग में हमारी भागीरथी रिवर आकर के मिल रही होती है। और ये जैसे ही भागीरथी मिलती है, यहां से अलखनंदा का नाम बदल करके हम लोग गंगा कह देते हैं इसको। समझ में आ गया क्या है बेसिकली? तो यहां पर आपको पांच प्रयाग के नाम याद रखने हैं। वन इज विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, फिर उसके बाद से आपका कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। अलग अलग जगहों पर अगर रिवर जो मिल रही है उसके बारे में अगर देखें, तो सबसे पहले विष्णुप्रयाग में मिल रही है धौली, तो यहां से लिख देंगे आप वीडी या फिर डीवी लिख सकते हैं, याद रखने के लिए एक डीवी लिख सकते हैं कि हाँ विष्णुप्रयाग में दिस इज डीवी। फिर उसके बाद से नंदप्रयाग में एन स्क्वायर, डीवी एन स्क्वायर, तो यहां पर नंदप्रयाग नंदाकिनी हो गई। सिमिलरली जब आगे पढ़ेंगे आपका कर्णप्रयाग में, तो कर्णप्रयाग को याद रख सकते हैं पीके, तो पीके मतलब पिंडर, पिंडार गंगा और उसके बाद से कर्णप्रयाग। रुद्रप्रयाग में आप याद सकते हैं एमआर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं एमआर, मंदाकिनी और रुद्रप्रयाग, और देवप्रयाग पे आपकी डीबी, और ये हो जाएगी आपकी देवप्रयाग और भागीरथी, और अल्टीमेटली इस तरह से गंगा याद हो जाती है। तो डीवी एन स्क्वायर पीके एमआर और डीबी, ये हो गई हमारी याद करने के लिए। तो आपको भी एक क्लैरिटी आ गई होगी। थोड़ा सा देखिए यहां पर अलग है, थोड़ा सा याद भी करना है आपको, थोड़ी सी मुश्किल जरूर है लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है। और उसके बाद से हमारी गंगा माता याद कर लेते हैं। अब हम लोग जरा आते हैं वापस से अपने थ्योरी पोर्शन पे, और यहाँ पर जरा देखने की कोशिश करते हैं क्या कुछ हमारे पास है। सबसे पहले गंगा के बारे में बात करें, तो गंगा निकलती है गौमुख ग्लेशियर से नियर मानाला पास। मानाला पास ऑलरेडी हम लोगों ने बना रखा है, लोकेट करके रखा हुआ है, जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में आ जा रही होती है। दिस रिवर इज नोन एज भागीरथी, जो गौमुख से निकल रही है ग्लेशियर है। देखिए गौमुख से यहां पर देखिए निकली हुई है गंगोत्री, ये गंगोत्री बोलिए गौमुख बोलिए एक ही चीज है, भागीरथी यहां से निकल रही हो रही होती है, यहां से निकल गई। विच कट्स थ्रू द ग्रेटर हिमालय एंड लेसर हिमालय इन नैरो गॉर्जेस। देवप्रयाग पे भागीरथी अलखनंदा से मिलती है, और ये इन द सतोपंथ ग्लेशियर टू द नॉर्थ ऑफ बद्रीनाथ नियर नीतिला। हालांकि अगर इस ग्लेशियर का नाम याद न भी रहे तो भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ एक चीज याद रखिएगा कि अलखनंदा जो रिवर निकलती है वो सतोपंथ ग्लेशियर से निकल रही होती है। तो अलखनंदा, अलखनंदा और संत जो है वो सत्य बोल रहे हैं, तो सतोपंथ यहां से थोड़ा सा आप बोल सकते हैं। आफ्टर द कन्फ्लुएंस विद भागीरथी, भागीरथी के बाद से अलखनंदा जब देवप्रयाग में मिल जाती है तो इसको हम लोग गंगा बोलना शुरू कर देते हैं, जैसा कि हम लोगों ने देखा। पासिंग बाय ऋषिकेश गंगा डिबॉचेस इन टू प्लेन ऑफ हरिद्वार, तो इस तरीके से हरि के द्वार पर गंगा जो है वो प्लेन एरिया में आ जा रही होती है। इनफैक्ट हरिद्वार से जब ऊपर जाएंगे आप पहाड़ों में, तो वहां पर सबसे पहले ऋषिकेश पड़ती है, और फिर उसके बाद से और ऊपर अगर जाएंगे तो आप शिवपुरी पड़ती है। शिवपुरी और ऋषिकेश ये दो ऐसे एरिया हैं जहां पर आपको राफ्टिंग करने को मिल रहा होता है, कई सारे एडवेंचरस स्पोर्ट्स यहां पर कराए जा रहे होते हैं। हरिद्वार तक आ जाएंगे आप, हरिद्वार इट टर्न्स साउथ ईस्ट इनटू मिर्जापुर इन द अपर गैंगेटिक प्लेन, और इस तरीके से उत्तर प्रदेश में एंटर कर जाती है। उत्तर प्रदेश के बाद ये फिर बिहार में आ जाती है, मिडिल गंगा प्लेन, और यहां पर राजमहल हिल से निकलते हुए साउथ ईस्ट साइड में फरक्का बराज वेस्ट बंगाल चली जाती है। फरक्का बराज एक इंटरनेशनल बराज है जो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश ये तीनों मिलकर के, तीसरा कौन सा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो तीन लोग मिलकर के यहां पर एग्रीमेंट किए हुए हैं। आफ्टर द बराज रिवर जो है दो पार्ट में बढ़ जाती है, एक हो जाती है भागीरथी हुगली रिवर जो वेस्ट बंगाल के साइड में चली गई है, और दूसरी चली जाती है पद्मा जो बांग्लादेश में चली जा रही होती है, अभी हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद से पद्मा रिवर ये एंटर कर जाती है बांग्लादेश में। फिर उसके बाद से द एट प्रेजेंट द इन द वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड बंगाल, ये सब चलिए ठीक है। ये जो हुगली रिवर है ये टाइडल रिवर हो जाती है, जो जहां पर कोलकाता पोर्ट भी अवेलेबल है, दिस इज बेसिकली हुगली रिवर, ठीक है। फिर उसके बाद से डेल्टा इज फॉर्मेशन, डेल्टा वगैरह फॉर्म कर रही होती है और इस तरीके से आगे मूव कर दे रही होती है, और सुंदरबन डेल्टा वगैरह बना दे रही होती है। बाकी देखिए यहां पर कुछ खास नहीं है जो आपको सच बताने की जरूरत पड़े।
बाकी आगे मेघना रिवर से मिल जाती है और नाम इसका मेघना रिवर पड़ जा रहा होता है, दैट्स ऑल। अल्टीमेटली ये गिर जा रही होती है कहां पर, बे ऑफ बंगाल में। तो क्लैरिटी आ गई गंगा के बारे में, गंगा में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। आगे बढ़े, आगे अगर देखेंगे तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट रिवर ऑफ इंडिया, हाईली पोल्यूटेड एंड डाइंग। पॉल्यूशन एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर, पॉल्यूशन काफी ज्यादा हो रखा है तो इसमें कुछ और बताने की जरूरत नहीं, पॉल्यूशन के बारे में ऑलरेडी आप लोग बहुत ज्यादा जानते हैं। तो इनडिस्क्रिमिनेट एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर विद मॉडर्न ट्यूब वेल्स फ्रॉम द रिवर वेल एज अ बेसिन कपल्ड विद डैमिंग ऑफ ट्रिब्यूटरी, तो मतलब काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो रखी है जिसके कारण से अब गंगा रिवर में अब पॉल्यूशन काफी ज्यादा हो गया। इनफैक्ट एक समय ऐसा होता था गंगा रिवर को प्रिजर्व करके लोग अपने घरों में रखते थे, बट अब गंगा रिवर के जो भी वाटर है उसमें से भी अब पॉल्यूटेड एलिमेंट होने के कारण से, कंटेमिनेशन होने के कारण से भी अब जो है वहां पर प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। पॉल्यूटेड वाटर के कारण से स्मेल आनी शुरू हो गई है, तो इस वजह से ये भी गंगा रिवर अब कह सकते हैं कि पॉल्यूटेड रिवर हो गई है। अब ये पुरानी गंगा रिवर नहीं है, लेकिन हाँ अब जो है वी नीड टू क्लीन इट, और इसी के लिए गंगा रिवर की क्लीनिंग के लिए हम लोगों ने मिशन क्लीन गंगा भी लॉन्च करके रखा है। 1976 से चलता आ रहा है और आज तक अभी चलता ही रह रहा है, लेट अस सी कब ये गंगा हमारी साफ होती है। तो ये थी हमारी पूरी गंगा रिवर के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट जो आता है वो आता है यमुना रिवर के बारे में, हम लोग इस यमुना रिवर को बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग यमुना रिवर, सोन रिवर और यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे चंबल, सोन, बेतवा, केन, ये सब जितनी भी है इसको लोकेट करिएगा, इसके बारे में लिख करके आप हमें टेलीग्राम कर सकते हैं या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।